इन वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकारों का पूरा पूरा लाभ दिया है। उनके विकास व उत्थान के लिए अनेकों ठोस कदम उठाए गए। कानून व्यवस्था को सख्त करके उन्हें स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने का भी मौका दिया गया है। खासकर यूपी में SC ST व OBC वर्गों का सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चला के अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा पूरा किया गया। इनको वे अन्य सभी समाज के गरीब एवं बेरोजगार लोगों को भी दूसरी पार्टियों की सरकारों की तरह उन्हें बेरोजगारी भत्ता न देकर सीधे तौर पर रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक फैशन सा बन गया है नौजवानों की वोट को लेने का। जब भी इलेक्शन होता है, या पार्लियामेंट का हो या असेंबली का हो, खासकर कांग्रेस पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ये कहती है कि जब हमारी सरकार बन जाती है, कांग्रेस बोलती है, जब कांग्रेस पावर में आ जाएगी तो जो नौजवान गरीब बेरोजगार लोग हैं तो उनको रोटी रोजी के साधन तो उपलब्ध नहीं करा पाएगी, लेकिन उनको बेरोजगारी भत्ता 2-3 हजार रुपए जरूर दे देगी। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। हमारी पार्टी इसमें भरोसा नहीं रखती है, इस सोच में, इस नीति में भरोसा नहीं रखती है। और हमने केवल कहानी करके दिखाया, और उत्तर प्रदेश में मैंने अपनी चारों हुकूमतों में वहाँ पे जो नौजवान गरीब लोग थे, बेरोजगार लोग थे, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं, बेरोजगारी भत्ता क्या 4-5 हजार रुपए दे दो, उससे क्या आपका घर का खर्चा चल पाएगा? मैं समझती हूँ नहीं चल पाएगा। तो हमारी सरकार ने वहाँ दूसरी पार्टियों की तरह बेरोजगारी भत्ता ना देकर गरीब और बेरोजगार लोगों को, नौजवानों को, हमने बड़े पैमाने पर वहाँ रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराए। और इतना ही नहीं, जो वहाँ पर भूमिहीन गरीब लोग थे उनको खेती करने के लिए हमने 3-3 एकड़ के हिसाब से सरकारी फ्री जमीन भी दी। लेकिन आपके तेलंगाना स्टेट में मुझे मालूम हुआ, यहाँ के आपके तेलंगाना स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं श्री KCR के बारे में मुझे मालूम हुआ कि इन्होंने हमारी सरकार की नकल तो जरूर की यहाँ पर, लेकिन उसको जमीनी हकीकत में अमली जामा नहीं बनाया। इन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग के लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको 3-3 एकड़ हम खेती करने के लिए जमीन फ्री देंगे।